हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधुरी एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो जिस भाई बहन ने अभी तक हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, वो लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 चैप्टर टोटली कंप्लीट करवा दिया है, उसे भी आप देख सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। दोस्त, लिखा हुआ है 4, 8, 16 एवं 26 समानुपाती होंगे यदि प्रत्येक में संख्या जोड़ दी जाए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर बताएंगे भाई, क्या होगा इसका आंसर? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 4, 8, 16 और 26 समानुपाती होंगे, ठीक है? तो इसको पहले बना लेते हैं। तो 4:8 कितना 8 और समानुपाती कितना हो जाएगा 16, अनुपात कितना 26, ठीक है? मतलब कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तो मान लेते हैं कि इन सभी में हम m जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? m जोड़ देंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 4/8 और 4 में क्या जोड़ दें तो प्लस m, और 8 में क्या जोड़ दें तो प्लस m। और देखिएगा, यहाँ पर समानुपात की जगह क्या लगा सकते हैं? बराबर 16 और बट्टा कितना हो जाएगा 26, और इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए तो प्लस m, और यहाँ भी क्या कर देंगे प्लस m हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्या करा लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना m और कितना हो जाएगा 26 प्लस कितना m, ठीक है? और बराबर देखिएगा यहाँ पर 8 प्लस m गुणे कितना हो जाएगा 16 प्लस m, ठीक है? इसी को आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, जो आएगा यहाँ पर m की वैल्यू वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, 4 से गुणा करेंगे 26 में कितना आ जाएगा 104, ठीक है? और प्लस 4 को m के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 4m, ठीक है? प्लस ध्यान दीजिए, m को 26 के साथ करेंगे तो 26m, और प्लस m को m के साथ कर लीजिए तो कितना आ जाएगा m स्क्वायर। बराबर यही प्रोसेस आप यहां से करिए 8 को 16 के साथ, तो कितना हो जाएगा भैया, यहां देखिए 16 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 16 × 8 कर दीजिए 128, और प्लस 8 को m के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 8m, प्लस यहां पर ध्यान दीजिएगा m को 16 के साथ करेंगे तो 16m, और प्लस m को m के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त m स्क्वायर, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले से आपको बताया हुआ है, m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। जब हम इस वाले प्लस m स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये प्लस है, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर क्या कर लेंगे कैंसिल कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ भाई? ठीक है, अब यहां पर m और m को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, यहां भी m और m को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा देखिएगा यहां पर 104 प्लस यहां पर देखिए 26 कितना हो जाएगा 30m, और बराबर यहां पर देखिए कितना हो जाएगा 128, और प्लस देखिएगा यहां पर 16 और 8 कितना हो जाएगा 16 8 कितना 24m, ठीक है? m को एक साइड कर लीजिए और क्या नंबर को एक साइड कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब हम m को एक साइड करेंगे तो यहां पर देखिए 30m और माइनस कितना 24m बराबर किसके हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 128 माइनस कितना 104, ठीक है? यहां पर देखिए 30 में से 24 माइनस कर दीजिए कितना जाएगा 6m, और 128 माइनस 104 करेंगे कितना जाएगा 24, और यहां से कैंसिल कर दीजिए 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, m बराबर कितना आ गया दोस्त 4। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। लिखा हुआ है 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। फटाफट आंसर करिएगा दोस्त।
तो ध्यान दीजिएगा, इसी को सॉल्व करना है। इसमें बोला है कि क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसको बनाते हैं समानुपाती में, तो 21 अनुपाते कितना लिखेंगे 38, और समानुपाते 55, और क्या रेशियो 106, ठीक है ना, इतना बनाएंगे। अब बोल रहा है कि क्या घटा दे, तो ध्यान दीजिएगा पहले हम इसको बट्टा में लिख लेते हैं, 21 बट्टा कितना 38, और यहाँ पर देखिए बराबर, और ये कितना हो जाएगा 55, और बट्टा कितना 106, ठीक है। आपका ऑप्शन से देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से उड़ा देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, ऑप्शन से उड़ा देंगे। इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि कैसे हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि दो घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जब हम दो घटाएंगे यहाँ पर तो 19 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर दो घटाएंगे तो 53 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 53, ठीक है ना। पहले हम ऊपर ही क्यों देख रहे हैं, देखिए 19 से क्या 53 कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दो नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता। दूसरे पे आ जाइए, दूसरे पे आ जाइए, कितना चार घटाना है आपको, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वो चार दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस चार कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड देखिएगा माइनस चार कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 21 माइनस चार करेंगे कितना जाएगा 17, और यहाँ पर देखिए 55 माइनस चार करेंगे तो क्या ये आ जाएगा 51, यानी कि 51, तो 17 से भाग कर देंगे तो कितना जाएगा 17 3 51, ठीक है। कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो भाई कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पूरे में क्या करेंगे माइनस चार कर देंगे, ठीक है, माइनस चार कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है, यहाँ देखिए आ जाएगा 17, 21 माइनस चार करेंगे 17 और बट्टा, ध्यान दीजिए यह कितना आ जाएगा 34, 38 माइनस चार करेंगे तो कितना आ जाएगा 34, और बराबर 55 माइनस क्या करेंगे दोस्त, 55 माइनस चार करेंगे तो 51 और बट्टा, ध्यान दीजिए 106 माइनस चार करेंगे तो कितना आ जाएगा 102। ध्यान दीजिए जो भी आंसर आना चाहिए, जो भी आंसर आना चाहिए दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो जाए, मतलब अगर इधर एक आ रहा है तो इधर भी एक आना चाहिए, इधर दो आ रहा है तो इधर भी दो आना चाहिए, इधर एक बट्टा दो आ रहा है तो इधर भी एक बट्टा दो आना चाहिए, इधर एक बट्टा तीन आ रहा है तो इधर एक बट्टा तीन आना चाहिए, मतलब कि क्या है LHS बराबर RHS होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा 17 × 17 और 17 × 2 कितना हो जाएगा 34, 51 × 51 और 51 × 2 कितना हो जाएगा 102, तो 1/2 और बराबर कितना 1/2, ठीक है, वैल्यू एग्जिस्ट कर गया, आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग क्या करेंगे टिक कर लेंगे, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़िएगा भाई, इसको भी हम लोग ऑप्शन से उड़ा देंगे, ऑप्शन से भी इसको मैं बता दूंगा और एक्स मानकर भी आपको मैं बता दूंगा, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। आपके ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 9, फटाफट आंसर करिएगा दोस्त। ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है क्या 15:19 में क्या घटाया जाए, ठीक है भाई, तो 15/ क्या लिख लेते हैं 19 में क्या घटा दें, क्या घटा दें कि रेशियो क्या हो जाए 3/4 हो जाए, क्या हो जाए 3/4 हो जाए, तो ध्यान दीजिए 3/4 कब आएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए, तो -3 और नीचे भी क्या करेंगे -3, आपको क्या लाना है 3/4 लाना है, ये ऑप्शन से उड़ाने वाला आप लोग सीखिए, 3/ क्या लाना है 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा ऊपर और नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं 3 माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 15 - 3 करेंगे तो कितना जाएगा 12, और 19 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4, मतलब कि आपको क्या लाना है 3/4, तो देखिएगा ये किससे कैंसिल हो रहा है 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 3 12 और 4 6 कितना 16, तो ये कितना आ गया 3/4 और बराबर कितना 3/4
चार, ठीक है ना भाई। ये आपका जो आंसर आएगा, देखिए एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू ना, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर बराबर क्या हो जाएगा, तीन, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लीजिए। तो एक्स वाला भी बता देते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, 15:19, ठीक है, क्या घटा दें, तो ध्यान दीजिएगा 15/19, और देखिए क्या घटा दें कि क्या हो जाए, 3/4 वाला अनुपात बन जाए, ठीक है, कितना अनुपात बन जाए, 3/4, तो यहाँ पर मान लीजिए कितना घटा देते हैं, x घटा दें, कितना x घटा देते हैं, ठीक है भाई, और क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 15-x और गुणे कितना 4, और बराबर इधर कितना आ जाएगा, 19-x और गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया, गुणा करा दीजिए, 4 से गुणा करेंगे, 15 में 15 चौके कितना 60, और माइनस कितना हो जाएगा 4x, और बराबर 19 किया कितना हो जाएगा 57, और माइनस कितना 3x, देखिए इस x को एक साइड और नंबर को एक साइड, तो ध्यान दीजिएगा 60 और माइनस कितना हो जाएगा 57, बराबर यहाँ पर देखिए ये इधर 57 प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इधर माइनस 4 क्या है, इधर माइनस 4x है, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस 3x और प्लस कितना 4x, ध्यान दीजिएगा 60-57 करेंगे तो 3, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, 4x-3x करेंगे तो x आ जाएगा, तो x बराबर कितना आया, 3, ठीक है, इससे पहले मैंने ऑप्शन से बताया था, तो वहां भी क्या आ रहा था आपका 3, यही आपका क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ठीक है ना, आ गया आपको समझ में, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। लिखा हुआ है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5, फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है दोस्त, 7:13 यानी कि इसमें क्या जोड़ा जाए, तो 7/13 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या यानी कि जो नई संख्याएं आएंगी वो 2/3 के अनुपात में हो जाए, ठीक है, 2:3 के अनुपात में हो जाए, तो मान लीजिए यहाँ पर x क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, x जोड़ देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है भाई, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा 7+ x और गुणे कितना हो जाएगा 3, और बराबर यहाँ पर देखिए 13+ x और गुणे कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 3 7 कितना हो जाएगा 21 और प्लस कितना 3x, बराबर देखिएगा यहाँ पर 13 × कितना 26 और प्लस कितना 2x, x को एक साइड और नंबर को एक साइड, तो 3 को देखिएगा यहाँ पर 2 को इधर ले आइए और 21 को इधर भेज दीजिए, तो 3x-2x बराबर 26 - कितना दोस्त 21, यहाँ पर देखिए 3x में से 2x घटा दोगे कितना x आएगा 1x, और यहाँ 26 - 21 करोगे तो 5, x बराबर कितना आ गया 5, इसका मतलब क्या हुआ, हम 5 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/3 मिल जाएगा जो, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, 7:13 में क्या जोड़ दें दोस्त, 5 जोड़ दें तो नई संख्या जो बनेगी वो 2:3 के अनुपात में बन जाएगी, यही आपका क्या है दोस्त, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लोग वीडियो को जरूर लाइक करें भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं अरिहंत की बुक से, ठीक है भाई, तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। लिखा हुआ है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि अनुपात 5:6 हो जाए, आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 6, फटाफट आंसर करिएगा दोस्त, क्या होगा इसका आंसर बताएंगे फटाफट, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त यहां पर लिखा हुआ है आपका 3:5 में क्या जोड़ दें, तो 3/5 में क्या जोड़ दें भैया कि जो अनुपात है वो कितना हो जाए 5:6 हो जाए, तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं x जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 3+ कितना x और गुणे कितना 6 बराबर
कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स और गुणे कितना 5, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करा दीजिए, क्षेत्र कितना हो जाएगा 18 और प्लस कितना 6x और बराबर 55 कितने हो जाएगा 25 और प्लस कितना 5x, x को एक साइड और नंबर को एक साइड, तो 5 को इधर ले आइए और 18 को इधर भेज दीजिए, तो 6x माइनस कितना 5x बराबर 25 माइनस कितना 18, x बराबर देखिएगा यहाँ पर 6 माइनस 5 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 18 करेंगे तो 7, x बराबर कितना आ गया दोस्त 7, यही आपका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक करेंगे, ठीक है भाई। मजा आ रहा कि नहीं मजा रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं मजा आ रहा कि नहीं मजा रहा। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो अनुपात 5:9 हो जाता है, संख्याएं कौन सी हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 9 और 21, ऑप्शन नंबर बी 15 35, ऑप्शन नंबर सी 6 14, ऑप्शन नंबर डी 7 और 15। फटाफट आंसर करिएगा दोस्त, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताइए इसका। ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है 3:7 में कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है, और तो उसके बाद जब हम 6 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर अनुपात कितना हो जाता है 5:9 हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि संख्याएं कौन सी होंगी, तो मान लीजिए जो संख्या होगी संख्या क्या हो जाएगी 3x तथा कितना हो जाएगी 7x हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3x और कितना बट्टा कितना हो जाएगा 7x प्लस कितना कर दे 6 और यहाँ भी क्या कर दे प्लस 6, जब हम लोग 6 जोड़ देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 5:9 हो जाता है, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया, अब क्या कर लेंगे यहाँ पर देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3x प्लस कितना 6 और गुणा कितना हो जाएगा 9 बराबर 7x प्लस कितना 6 और गुणे कितना हो जाएगा 5, क्लियर हो गया। गुणा करा दीजिए 9 3 कितना 27x और प्लस 9 6 कितना हो जाएगा 54 बराबर देखिएगा 5 7 कितना 35x और प्लस 5 6 कितना 30। इतना समझ में आया, यक्ष को एक साइड और क्या नंबर को एक साइड, तो देखिएगा यहाँ पर 27 को इधर भेज दीजिए और 30 को इधर भेज दीजिए, तो भेज दीजिए कितना आ जाएगा 54 माइनस कितना 30 और बराबर 35x माइनस 27x, क्लियर हो गया भाई। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए तो 54 माइनस 30 करेंगे कितना आ जाएगा 24 बराबर 35x माइनस 27x करोगे तो कितना आ जाएगा 8x, ठीक है। 8 3 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया दोस्त 3 आ गया, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ये आंसर अभी नहीं आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो संख्याएं हम लोगों ने माना था कितना माना था 3x तथा 7x, तो यहाँ पर देखिए 3x तथा कितना दोस्त 7x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 और ये कितना हो जाएगा 7 × 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा दोस्त 9 और 7 3 कितना हो जाएगा 21, 9 तथा क्या हो जाएगा 21, यही आपकी क्या हो जाएगी संख्याएं, यही आपका क्या है दोस्त परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यदि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर के मध्य का अनुपात 20:9 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। दोस्तों फटाफट आंसर करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 29:11, ऑप्शन नंबर बी 11:29, ऑप्शन नंबर सी 9:20, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका फटाफट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो संख्याओं का योगफल और अंतर, ठीक है, के मध्य का जो रेशियो है वो कितना है 20:9, यानी कि 20:9 है। तो सबसे पहले मान लेंगे माना संख्या क्रमशः x और y है, मतलब पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y हो जाएगी, तो पहली और दूसरी संख्या का क्या हो जाएगा ये एक बार योग निकाल लीजिए, और उनका रेशियो दिया हुआ है और एक बार अंतर का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20:9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस को इसके साथ और ये इसके साथ क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे, क्या कर लेंगे दोस्त कंपेयर, एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई बराबर किसके 20 के और x माइनस क्या हो जाएगा y बराबर किसके 9 के, ठीक है।
इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे दोस्त, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 20, x माइनस वाई बराबर कितना दोस्त 9। जोड़ दीजिए तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ गया 29, कितना हो जाएगा भाई 29, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, आगे यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x बराबर कितना हो जाएगा 29/2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पुनः समीकरण एक और दो को क्या करेंगे, समीकरण एक माइनस क्या कर लेंगे 2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है बट्टा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने एक लाइन खींचा हुआ, यहाँ पर देखिएगा माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। 20 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और बराबर लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा वाई वाई क्या हो जाएगा 2y, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ गया दोस्त 11/2, ठीक है। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई, हमको क्या निकालना था, उन्हीं दो संख्याओं का क्या, उन्हीं संख्याओं का आपको बताना था अनुपात। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्त, x अनुपात y बराबर क्या, x की जगह क्या लिख दे 29/2 अनुपात 11/2 बराबर। ध्यान दीजिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना जाएगा 29/11, यही आपका क्या है दोस्त परम सत्य आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा भाई इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, पर ये वाला तरीका बेस्ट है। दूसरा जो है वो योगांतर अनुपात के नियम से होगा, तो वो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना, और ये चीजें आपके हैबिचुअल लेक्चर में हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है संख्या 16 व 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा, आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। फटाफट आंसर करेंगे। ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूले पे है, मैंने आपको बताया हुआ है दोस्त, क्या बताया हुआ है फॉर्मूला इसका, मध्य समानुपाती का या माध्यानुपाती उसी को बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, मध्यानुपाती का फॉर्मूला लिखेंगे। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई, एन स्क्वायर बराबर क्या एम पी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दो संख्याएं दी गई हैं, एक 16 और कितना 4, ठीक है। तो एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 × 4, तो एन बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 चौके कितना हो जाएगा 64, और n बराबर कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा बहुत ही केयरफुली इसको आप लोग पढ़ेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष। यार फटाफट आंसर करिए इसका, आंसर क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्त, पुनीत और कौन है अप्पू है, कौन है अप्पू, ठीक है। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का जो अनुपात है दोस्तों कितना है 2:3 है, कितना है 2:3 है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2x/3 कितना 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 3:4 हो जाता है, ठीक है। तो 2x और बट्टा कितना 3x, कितने वर्ष बाद, तो प्लस करेंगे 3 वर्ष बाद, ठीक है ना, और वो कितना हो जा रहा है अनुपात 3:4, ठीक है। चलो भाई इतना समझ में आ गया, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्या करा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना 3 और गुणे कितना भैया 4 बराबर 3 × कितना 3x+3, इतना क्लियर हुआ। 4 × कितना हो जाएगा 8x और प्लस 4 × 12 बराबर
तीन त्रिका कितना हो जाएगा नौ एक्स और तीन त्रिका कितना हो जाएगा प्लस नौ। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स को एक तरफ भेज दीजिए और क्या संख्या को एक तरफ, तो यहाँ पर बारह माइनस नौ बराबर नौ एक्स माइनस कितना दोस्त आठ एक्स। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं भाई, इतना समझ में आ गया। तो 9x माइनस 8x कर दो कितना हो जाएगा x और 12 माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आई दोस्त 3 आ गई। यहाँ पर देखिए पुनीत की वर्तमान आयु पूछा है, पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है 2x, तो क्या कर देंगे x गुणे कितना 2x बराबर x की वैल्यू आपको मिल गई है यहाँ से 3, तो 2 गुणे कितना 3 बराबर कितना आया 6 वर्ष। यही क्या है पुनीत की वर्तमान आयु है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक करेंगे। ठीक है भाई, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे दोस्त, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, तो बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। लिखा हुआ है एक थैली में एक रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल धन 116 रुपए हो तो 10 के सिक्कों की संख्या कितनी है, फटाफट आंसर करिएगा दोस्त। यहाँ पर देखिए मैं ऑप्शन भी बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए 120, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 145, ऑप्शन नंबर डी 160। फटाफट आंसर करिएगा दोस्त। ध्यान दीजिएगा भैया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दिया है। देखिएगा आपके पास जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में जो कुल धन दिया है वो कितना दिया है 116 रुपए, कितना दिया है 116 रुपए, ठीक है। तो देखिए जो कुल दिया होता है उसी पे क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो कुल क्या दिया है धन यानी कि रुपए में दिया है, तो हम इन सिक्कों को क्या करेंगे रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 3, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 रुपए, ठीक है। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, मतलब क्या है अठन्नी अठन्नी कितना भैया, अठन्नी अठन्नी 1 रुपया, तो 2 अठन्नी में 1 रुपया, तो 4 अठन्नी में 2 रुपया, 2 रुपया तो कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 8 सिक्के हैं कितने के 10 पैसे के, तो 10 पैसे के 8 सिक्के, इसको आप क्या लिख सकते हो 0.8 रुपए, या इसी को आप लिख सकते हो 4/5 रुपए, कितना 4/5 रुपए, ये भी आपका क्या हो जाएगा रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर दिया है कुल धन, कितना दिया है कुल धन 116 रुपए, तो हम क्या करेंगे रुपए को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, क्या करेंगे दोस्त जोड़ लेंगे, तो 3+2 और प्लस कितना 4/5 कितने के बराबर हो जाएगा 116 रुपए के, ठीक है। तो देखिएगा 3×2 कितना हो जाएगा 5, या एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा भाई, और 5×3 कितना 15 और 5×2 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आएगा, 1×4 करेंगे तो प्लस कितना 4 आ जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 116 के। इतना समझ में आ गया, देखिएगा 15×10 = 25 और 4 कितना 29, तो 29/ कितना हो जाएगा 5 बराबर कितने के 116 के। इतना समझ में आया भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए इतना समझ में आ गया, आगे ध्यान दीजिएगा 29/ कितना 29 बराबर कितना हो जाएगा 116 × कितना 5 के, 29 से कैंसिल कर दीजिए, 29 से 9 = 29 और 29×4 कितना हो जाएगा 116। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4×5, मतलब कितना दोस्त 20 आ गया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। 10 के कितने सिक्के हैं, 10 के कितने सिक्के हैं दोस्त 8, तो 8 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 20× कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना 160 सिक्के, किसके दोस्त 10 पैसे के कितने सिक्के 160 सिक्के, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यही आपका क्या है एग्जैक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही बढ़िया और जानदार क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।